जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि जैसे कि आपको पता होगा कि मुमरा में जो अपोजिशन का रोल निभा रही है वो MIME निभा रही है, और जिस तरीके से मुमरा में पब्लिक फ़ंड को गलत यानी यूज़ किया जा रहा है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, या पब्लिक फंडिंग को गलत यानी तरीके से यूज़ करके पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को यानी अपने प्रचार के लिए वहाँ पर अपने मर्ज़ी से यानी कुछ भी डेवलप कर लेना, और यह बताना कि हमने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे डेवलपमेंट किया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड्स लगा करके अपने नाम लगा करके जो प्रचार कर रही है NCP उसके खिलाफ़ हमारी MIME ने काफ़ी टाइम से यानी प्रोटेस्ट की थी, उसके लिए हमने लेटरबाजी की थी। हमारे ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी साहब ने यानी जब इस तरीके के मामला थे हर जगह जगह, जैसे कि अभी हम लोग अलमास में खड़े और आपको पता कि कल यहाँ से TV उतारा गया, जो TV ये बता करके लगाया गया था कि इस पर क्रांतिकारियों की हिस्ट्री बताई जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से वो TV लगा है सिर्फ़ और सिर्फ NCP का प्रचार किया जा रहा था उस पर, वो भी वो काम बताए जा रहे थे जो NCP ने की ही नहीं है शहर में, जो डेवलपमेंट के नाम पर NCP ने लोगों को धोखा दिए है, जो बड़े बड़े वादे किए हैं बस वो बताया जा रहा था, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो जगह जगह पर आने छोटा मोटा काम किए वो बताया जा रहा था, तो उसके खिलाफ़ यानी हमारे जावेद भाई ने यानी प्रशासन से मांगनी की थी कि ये किस तरीके का यानी यहाँ पर LED लगाया गया है या जगह जगह पे बोर्ड लगाया गया है। अभी आप देखिए वहाँ पर भी आई लव अलमास का बोर्ड लगाया गया है, वो लगाया गया अलमास कॉलोनी एरिया के लिए, लेकिन प्रचार हो रहा है एक पार्टी का, और काफ़ी शर्म की बात है कि उस पर TMC का लोगो ये लोग यूज़ करते हैं अपने खुद के प्रचार के लिए, पब्लिक को ये बताते कि TMC यानी इसकी मान्यता दे रही है, जबकि हम प्रतव व्यवहार करते तो हमको पता चलता है कि कोई मान्यता TMC की तरफ से नहीं है, इसलिए ये उतर रहे और पब्लिक के पैसे वेस्ट होते हैं इनके प्रचार के पीछे और बाद में इस तरीके से वेस्ट होता है। अगर आपको पैसा लगाना ही है पब्लिक का तो कोई अच्छी जगह और मान्यता के साथ लगाए। अभी अंदर एक गार्डन के पीछे आपको पता होगा कि यानी पैसा यानी वहाँ पर गार्डन बनाया गया और ये बताया गया कि गार्डन बनाया जा रहा है, 2 दिन तक उसकी ओपनिंग की गई। हमने जब पत्र व्यवहार किया तो हमको पता चला गया कि वहाँ पर TMC ने लिख कर दिया कि हमने अभी तक कोई गार्डन दिया ही नहीं है, तो कल को अगर वो गार्डन की जगह का वापस से कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार जिन लोगों ने बनाया जितेंद्र अवार्ड और शानू पठान होंगे, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि इन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं। आपने देखा होगा कि रेती बंदर ब्रिज के नीचे गार्डन बनाया गया वहाँ तोड़ दिया गया, आपने देखा होगा कि अभी गुलाब पार्क के पास जो है अपना दारुल फला के पास जो गार्डन था वो तोड़ दिया गया, आपने देखा होगा कि अगर बाईपास के पास वो वाई जंक्शन के सामने जो गार्डन था वो तोड़ दिया गया, तो हमारे शहर में गार्डन है नहीं, और ये बेतरतीब अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ इलेक्शन पीरियड में काम करते हैं और बताते कि हम ब्यूटिफिकेशन और हम लोग यानी शहर में गार्डनिंग और इसके लिए काम कर रहे हैं और बाद में ये सब तोड़ दिए जाते, तो ये पब्लिक जनता का पैसा है। अगर अभी अलमास का भी जो गार्डन है उसकी मान्यता नहीं है, अगर उसकी मान्यता को जैसे कुछ वहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगा रहे ये लोग और अपना बैनर लगा रहे, अगर उसको TMC की तरफ से जावेद भाई ने मांग किया TMC से कि अगर ये आपने मान्यता नहीं है तो इन पर केस किया जाए, MRTP किया जाए और आप लोग उसको मान्यता दे वो गार्डन को और उसको लीगलाइज करके दे, नहीं तो इन लोगों पर केस करें। जी उसको लगकर स्कूल का रिजर्वेशन भी है, लेकिन कैसा कि ये अपने एडवर्टाइजमेंट के चलते ना स्कूल्स एजुकेशन पे काम नहीं करना चाह रहे इनको सिर्फ। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको पता होगा कि हर इलेक्शन पीरियड में जगह जगह फाउंटेन लगाए गए थे, आज आप शहर में एक भी फाउंटेन बताए जो चालू है, जनता का ही पैसा था वो, एक एक फाउंटेन 10-10, 20-20 लाख का लगाया गया था। अगर वही पैसे को एजुकेशन के पीछे कहीं पे इस्तेमाल किया गया होता, वही पैसे को सही जगह पे फंडिंग इस्तेमाल की गई होती, मैं जैसे रेती बंदर के नीचे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने गार्डन बना दिए ब्रिज के नीचे और ख़ुद का फोटो लगाए, अगर वही पैसे को सही जगह लगा करके कहीं गार्डन बनाया गया होता जहाँ गार्डन की मान्यता थी तो वो पैसा वेस्ट होता हमारा? ये सिर्फ इलेक्शन पीरियड में अपना है ना प्रचार करने के लिए, और इस तरीके का जिस तरीके से इसके लिए हमारे जावेद भाई ने TMC कमिश्नर को 2-2 बार लीगल नोटिस दिया है कि ये जो लोग हैं जो सत्ता में है अगर वो इस तरीके का अपने पावर का दुरुपयोग करके खुद का प्रचार करेंगे TMC की आड़ में तो उनपे MRTP का केस हो। ऐसे बहुत सारे जो भी बोर्ड अभी भी लगे हुए तो उसके लिए MIME क्या कदम उठाए? देखिए उसके लिए हम लोग यानी अभी जैसा आपको पता होगा कि काफ़ी मुशक्कत के बाद यानी काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता में और ये लोग यानी सोच रहे कि मुमरा इनके ही लोग का है, ऐसा नहीं, आज अपोजिशन का रोल निभा रही है MIME और काफ़ी मजबूती से निभा रही है, उसका सबूत है कि इनकी सत्ता रहते हुए इनका सब रहते हुए यहाँ से ये बोर्ड उतारा गया, आगे भी जितने भी है सब उतारे जाएंगे। और आपको पता होगा कि नशे अपनी सत्ता के नशे में इतने चकना चूर है यहाँ के MLA कि वो हमारे शहर में जहाँ मांगनी हो रही है कि शहीद अमित जी के नाम पर यानी रोड का नाम रखा जाए MMLE रोड का, वो खुद को लोक नायक बोल करके एक RSS की सोच के तहत लोक नायक का नाम रख करके वो रोड को अपना बैनर और बोर्ड लगाए थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है, तो ये सब पैसे कहाँ क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं?
जावेद भाई, थाने महानगर पालिका ने कार्रवाई की, यहाँ पर जो एलईडी था उसको भी उतार दिया गया है, और इसी तरह से एमएमएलई रोड जो अभी नया बन रहा है उसका काम भी आधा अधूरा है अभी, लेकिन नाम रखने को लेकर काफ़ी हलचल से वहाँ पर नाम लगाकर जो है वोट भी लगाया गया था, उस पर भी कार्रवाई, क्या कहेंगे? उसी बात का तो हमारा रोना है कि जो ये लोगों ने आज 14 से 15 साल जो है यहाँ सत्ता के नशे में चूर होकर जो जनता के बीच में ये रह के और उनको झूठे झूठे आश्वासन देते हैं और उसके ऊपर खारी राजनीति करते हैं, उस संबंध में जब आपको पता होगा कि कोरोना की महामारी में एक लीडर ने एक सभा में कहा था कि मुमरा शहर में काम क्यों नहीं हो रहा, उनसे सवाल आप लोगों ने किया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कोरोना में ठेकेदार नहीं है, कोरोना में टीएमसी के पास पैसा नहीं है। उसी टाइम पे ये जो टीवी उतारी गई, ये लगाई गई और वहाँ पे आप देख सकते हैं घास वाले कंपाउंड में जो वो रिजर्वेशन जगह है, जो बच्चियों का स्कूल है, गार्डन का जगह है, लेकिन ये लोगों ने उसको अपने पैसे से ये लोगों ने उसको डेवलप किया। तब उसके लिए हम लोग तो पहले सोचे यहाँ पे बहुत लड़ाई चल रही है कि बच्चों के लिए खेलने का गार्डन है, चलो गार्डन तो बना गया, लेकिन जब उन्होंने कोरोना में कहा था हमारे पास पैसा नहीं है टीएमसी के पास, तब हमने उनको 20/9/2021 को हमने अर्बन डेवलपमेंट को एक पत्र दिया कि भाई ये जो गार्डन बना है ये कल के टूट तो नहीं जाएगा, ये किसका फंड है, ये कौन सा ठेकेदार है, तो हमें उन्होंने जवाब दिया कि ये देख सकते हैं 6/10/2021 में हमें थाने महानगर पालिका ने एक पत्र दिया कि यहाँ पे कोई हमने गार्डन की मंजूरी दिया नहीं है, फिर उसके बाद हमने जब मंजूरी नहीं दिया तो कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने 20/4/2022 को हाईकोर्ट से एक नोटिस थाने महानगर पालिका कमिश्नर को दिया कि ये जो शहर में सत्ताधारी के लोग जो है, यहाँ के जो राजनेता जो यहाँ पे अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट की जगहों को कब्जा कर रहे हैं, ये आपने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका कागज़ कह रहा है कि ये जो है बच्चियों का रिजर्वेशन है और ये यहाँ पे खाली टीएमसी ने गार्डन का नहीं, टीएमसी ने खाली वाल किया, लेकिन ये लोगों ने अपना पैसा लगा के उस जगह पे काम किया। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि गार्डन से, मुमरा में ऐसे कितनी जगह ऐसे जहाँ पर पर्सनल पैसा लगाकर बनाया? देखो मैं एक बात बताऊँ, पर्सनल पैसा नहीं है ये, अधिकारियों की साजगाठ से क्या करते हैं कि टीएमसी फंड को इस्तेमाल करते हैं खुद का प्रचार करने। जो जावेद भाई बोलना चाह रहे हो वो आप समझिए कि टीएमसी अपना पैसा लगा रही कुछ अधिकारियों के साथ मिल करके, अभी आपने देखा होगा बहुत से अधिकारियों का तबादला हुआ है यहाँ से, क्योंकि वो टीएमसी फंड लगाते थे और ये अपना प्रचार करते थे कि हम ये काम करवा रहे। हमारा यही बोलना है कि अगर टीएमसी से फंड लगा रहे थे तो जहाँ पर तुमने एलईडी और जहाँ पर तुमने अपने प्रचार के लिए बोर्डेज लगाए ना, वहाँ पर आप शौचालय बना देते, क्योंकि आज हमारे शहर की औरतों के लिए जब शहर में कोई मुसाफिर आता है या कोई औरतें शॉपिंग करने के लिए आते हैं, आज उनके लिए एक एक टॉयलेट या वॉशरूम्स नहीं है कि जहाँ पर जाके उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके आदमी, तो चलो ठीक है यहाँ वहाँ होटल्स वगैरह में या कोई मस्जिद में जा करके अपनी हाजत को कर लेता पूरी तरीके से, लेकिन औरतों को या मुसाफिर जो आते उनको तकलीफ होती है। तो हमारा यही बोलना है कि अगर फंड हमारे शहर में टीएमसी पे ने अगर हमारे टैक्स पेयरों का हमारे शहरवासियों का फंड इस्तेमाल किया है कोई भी चीज़ के लिए, तो वो सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए था, इस तरीके से इस्तेमाल करके इसको पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए था और उसके बाद ही अपना प्रचार कर रहे। जावेद भाई आप बता रहे हैं अनमात पे जो लगा है उस पर कार्रवाई हुई है? देखो 25/4/2023 को थाने महानगर पालिका ने एक लेटर दिया था नगर विकास ने मुझे कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, जो इलीगल तरीके से काम ये लोगों ने किए सत्ताधारियों ने, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हम थाने महानगर पालिका सहायक आयुक्त सागर सालुंगे को मिला तो उन्होंने कह दिया कि इसमें सिग्नेचर नहीं है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है पिछले मंडे को कमिश्नर को जाके बताया कि ये खाली क्या सत्ताधारी के कहने में खाली कागज़ पे तुम खेल करोगे, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और कल परसों जो मंडे के दिन उन्होंने फिर ये लेटर के ऊपर साइन किया। इसमें क्या लिखा है, उत्थान विकसित करने की व नाव फलक
शहर विकास विभाग है कड़ू कोताही परवानगी दे नहीं। इसमें साफ लिखा है कि वहाँ पे टीएमसी ने कोई परवानगी नहीं दिया। हमारा मतलब ये है कि गार्डन बनाओ लेकिन उनको लीगल तरीके से बनाओ, ये नहीं कि इनलीगल बना के बाद में उसको तोड़ दो, जनता को तकलीफ करो। जनता का वो टैक्स का पैसा है, इसलिए हमारी लड़ाई वही है कि जनता का जो पैसा है उसको सही तरीके से करना चाहिए। जगहों के ऊपर सत्ताधारी लोग जो है गवर्नमेंट के जगह में कब्जा किया है और सबूत आ गया है तो उनके ऊपर MRDP लगाना चाहिए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। इस बात को मैंने पुलिस स्टेशन पे उस टाइम पे जावेद भाई आपसे आखिरी सवाल है, अभी कहां कहां पर मुंब्रा में इस तरह के जो है अवैध तरीके से बनाए गए हैं जो आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? देखो ऑर्डर तो हमको आ गया है, जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे TV लगी थी आप देख सकते हैं, अल्लास में वहाँ भी एक बेकायदा जो है नेतागिरी लोगों का खाली फोटो लगा है आप देख सकते हैं। तनवर में जैसे उपचुनाव आने की कुछ उस वार्ड में था तो वहाँ फिर लोगों के नाम पे बैठने का एक वो गटर के ऊपर बना दिया गया है, उसका भी तोड़ने का आर्डर, लेकिन हमने कहा ये जनता का बैठने का जगह ये तोड़ो मत। ये जिन्होंने अपना बैनर फोटो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए उनका फ़ोटो पूरा निकालना चाहिए। ये मुंब्रा शहर में जितना भी गलत काम है उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हटाया जाएगा। कोर्ट में जाएंगे। देखिए कि पहले तो जैसा भी आपने जावेद भाई से पूछा कि कहां-कहां कार्रवाई होनी है और आगे क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी इलीगल तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगाए गए वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट की जगह है, तो उस पर जितने भी बोर्ड लगाए गए हम पहले वो पूरे बोर्ड शहर से उतरवाना चाहेंगे और उसके बाद हम TMC से कहेंगे कि उन सब पे MRTP एक्ट लगाया जाए कि अपने पावर को गलत इस्तेमाल करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे अपना एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उन पे MRTP वो लगाया जाए। दूसरी चीज़ जैसा आपने कहा कि जितने रिजर्वेशन प्लॉट है, अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से हम लोग यानी जो यहाँ पर 26 एकड़ है वित्तल ग्राउंड में वहाँ पर अभी बिल्डर लोग का कब्जा चालू है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यानी वहाँ पर जो स्कूल्स अपना कॉलेजेस प्लेइंग ग्राउंड और बस डेपो जो हम लोगों की जगह रिजर्वेशन की वो हमको दिए जाए, बिल्डरों का कब्जा नहीं दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने फिर यानी अधिकारियों से मिलकर कोई AR स्कीम का लॉलीपॉप दे करके लीगल बता करके लीगल तरीके से वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत जल्दी नहीं आने वाले 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला हम लोग TMC के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, बेमुद्दत धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक TMC कमिश्नर MIM को जवाब नहीं दे देती कि ये कब्जा बिल्डरों ने कैसा किया है और इसमें कौन कौन अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करती, जब तक हमारा बेमुद्दत धरना आंदोलन चलेगा।